नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट्स की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पुंछ में हुए आतंकी हमले की। तो देखिए, पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद से सेना और सुरक्षा बल आतंकियों को चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। आसमान से हो या फिर जमीन पर आतंकियों को खोजा जा रहा है ताकि दुश्मन को सीधा संदेश पहुंचाया जा सके कि पीठ में मारा है और अब सीने पर खाओगे, छेड़ा है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। चप्पे चप्पे पर निगरानी, एक एक आहट पर नजर, लगातार सर्च ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से लेकर जमीन के जर्रे जर्रे पर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। घने जंगलों को खंगाला जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के जाबाजों पर घात लगाकर कायरों की तरह हमला करने वालों को उनके घातक अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पिछले दो सप्ताह में राजौरी और पुंछ में फैले पीर पंजाल क्षेत्र में यह तीसरा आतंकी हमला है। जो ऑपरेशन कल शाम से शुरू हुआ है, लगातार अलग अलग इलाकों में तलाश जो है वो आतंकियों की जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू पुंछ हाईवे के साथ साथ जो सटे इलाके हैं उन्हें यहां पर खंगाला जा रहा है सुरनकोट के। इस बीच हमले वाली जगह से आतंक का चीन कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक हमले वाली जगह से चीन में बनी स्टील की गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा अमेरिका में बनी M4 राइफल और AK-47 राइफल को भी हमले का जरिया बनाया गया। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो गाय बगाय कोशिश करता रहता है ऐसा आतंक फैलाने की, लेकिन इसके इस जवाब को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल यानी शनिवार को शाम 6:15 के करीब पुंछ में आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले विक्की शहीद हो गए। आतंकी हमले में विक्की और उनके चार साथी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके चार साथियों की हालत अभी भी गंभीर है। दहशतगर्दों ने किस तरह से हमला किया, तस्वीरें आपके सामने हैं। गोलियां साइड वाले शीशे को आर पार कर गईं। काफी देर तक अंधाधुंध फायरिंग के बाद हमलावर आतंकी पास के घुप घने जंगलों में भाग गए। घना जंगल होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंज है, क्योंकि आतंकी लगातार अपनी मूवमेंट जो है वो बदलते रहते हैं, अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं मूवमेंट करते हुए। इसके साथ साथ यहां पर कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो छुपते रहते हैं। आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। कुल 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर बताई जा रही है, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। सड़क मार्ग को भी पूरी तरह से जांच के दायरे में रखा गया है। आसपास के सभी इलाकों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि देश के दुश्मन किसी भी हाल में बचकर न जा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।